नमस्कार दोस्तों, अब जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ। इस समय हम सतवारी के नई बस्ती इलाके में खड़े हैं, जहां पर कुछ जो स्कैंडल है वो एक सामने आया है कि यहां पे ही कुछ गली है, यहां पे लोगों का ये कहना है कि यहां पर एक सेक्स स्कैंडल यहां पर चलता था और ये काफ़ी दिनों से नहीं, कई सालों से यहाँ पर ये सेक्स रैकेट यहाँ पर चलता था और यहाँ पे कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और हालांकि लोगों ने कई दफ़ा पुलिस कर्मियों से भी बातचीत की है, हालांकि हाल ऑफिसर से भी बात की, लेकिन उनका यही कहना था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती और हम किसी से नहीं डरते। लेकिन आज जो यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने मौके पर जाके वहाँ पर कोई छानबीन की और वहाँ पर कुछ लोग, कुछ लड़कियाँ बरामद हुई है। लेकिन हम उनकी तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग का जो झूठ है वो इकट्ठा हुआ है। तो जो भी कॉर्पोरेटर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सर क्या माजरा और क्या है यहाँ पर। तो हम आपको ये नज़ारा बिल्कुल नई बस्ती सतवारी में दिखा रहे हैं कि जो स्कैंडल सामने आया है। बिल्कुल हम आपको बताएं कि ये लोगों की बड़ी देर से ये कहना है कि कोई भी लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन आज जो कॉर्पोरेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी ये सराहनीय कदम उठाया है और ये बात भी सामने आई है। हालाँकि हम ये भी पूरी प्रूफ तो नहीं कर सकते आपके सामने कि पूरा माजरा क्या है, लेकिन जो कॉर्पोरेटर्स हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि क्या माजरा था और कब से ये स्कैंडल यहाँ पर चल रहा है। हालांकि ये भी दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसे एक जो ऊपर वाला फ्लोर है उसे एक रेस्टोरेंट की शेप दे रखी थी और लोगों की नज़र में था कि लोग बच्चे यहाँ पर आते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं और खाने पीने का सामान है। लेकिन ये हम आपको बताएं कि ये जो रैकेट था यहाँ पर चलता था, तो फिर भी हम आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी वो किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी बात करवाएंगे। मोहल्ले में ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आ पाती थी और सुनवाई नहीं होती थी, वो काम अब कॉर्पोरेटर्स ने शुरू किया, जिसकी शुरुआत धवल सिंह जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी से कॉर्पोरेटर हैं और इसी ये वो रेस्टोरेंट है जिसे इसे शक्ल दी गई थी रेस्टोरेंट की, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेटर द्वारा कि यहाँ की बिल्डिंग के ऊपर जो चकला यहाँ पर चलता था। हम आपको आओ, आप एक मिनट रुकू कर रहे हैं। कि हमें कानून इतना मजबूर मत करे कि हम कल कानून को अपने हाथ में ले लें और हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बचाने के लिए इन जैसे राक्षसों के गले खुद अपने हाथ से गोंद दें। धन्यवाद। ये नई बस्ती इलाके में है हम लोग और मतलब कॉर्पोरेटर भवन सिंह जी भी है। एक सेक्स रैकेट यहाँ पे चलाया जा रहा था, जो यही के लोग कहना है और कॉर्पोरेटर का भी यही कहना है कि एक घर के अंदर इस तरह की चीज़ चल रही थी। इनके पास एक डायरी भी आई है जिसके अंदर नाम और फोन नंबर लोग
जी सर बताएगा, हाँ सर बताएं कि जो आज यहाँ पे सेक्स रैकेट चला, यहाँ पे पकड़ा गया, कब से चल रहा था और क्या कहेंगे सर? ये तकरीबन खुद ही आदमी ने बताया जो चला था, वो 25-30 साल से इस कार्य में था और आज ये रंगे हाथों पकड़े गए। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं, हमारे प्रेशराइज किया जाता है कि अगर आपने बताया, ये शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं यहाँ के, इनको धमकाया जाता था कि अगर आप बताओगे तो आपको हम कुछ ना कुछ करवा दें, मरवा देंगे या कुछ भी। लेकिन भाई मेरे, समाज को जब सुधारना है ना, हिम्मत करनी पड़ती है, जुर्रत करनी पड़ती है। आज हम सबने मिलजुल के जुर्रत की है, यहाँ से भंडाफोड़ हुआ है, शरे आम रंगे हाथों पकड़ा गया है और जो लड़कियाँ थी वहाँ पे 2-3 वो छत में, इन्होंने, ये बड़े चलाक लोग होते जो रॉकेट चलाते हैं ना, इन्होंने यहाँ पे एक नीचे रेस्टोरेंट खोला हुआ है, वहाँ पे ये बिक्री करते हैं स्प्रिंग रोल मोमोज, उस बहाने ये लड़कियाँ बच्चियाँ हमारी यहाँ आती हैं और यहाँ पे दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म क्या देते हैं ये, और ये मेरे पास डायरी है, मैं आपको डायरी, इन्होंने दी डायरी, ये जनाब डायरी है ना, ये इनमें नाम है बच्चियों के, ये देखिए, ये देखिए, और ये रेट भी आगे लिखे हैं। इस तरह का यहाँ पे धंधा चलता था क्या? समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? सर बीच बाजार में भी जैसा बता रहे हैं कि 20 साल से यहाँ पर बीच बाजार के अंदर ऐसा काम चल रहा था, लोग सामने क्यों नहीं आए? डर था इनको, घबराते थे हमारे साथ कोई ऐसा काम ना हो जाए, धमकाते थे वो लोग। वो बंदा कहता था पुलिस मेरी जेब में है, एसपी मेरी जेब में, डीएसपी मेरी जेब में, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तो कहीं जब भी आदमी वो अंदर होता था वो आधे घंटे में बाहर आ जाता था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सिस्टम खराब था। आज सब जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, अब समाज जाग चुका है तो गलत काम तो नहीं। हम तो भाई बच्चियों को बर्बाद नहीं होने देंगे अगर इसको कोई प्रोटेक्ट करेगा। आपका यही कहना कि कहीं ना कहीं पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस का जो भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व है, निचले स्तर का या ऊपर स्तर का मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन गलत काम नहीं होगा भाई। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है, गलत काम नहीं करना। दो चीजें मैं खत्म करने आया हूँ, इन लोगों ने मुझे चुन के भेजा ना, एक चिट्टा जम्मू शहर से, जल्दी जेलें भरी आपको दिखेंगी, और एक ये सबसे गंदा काम, नशेवृत्ति जिसको हम कहते हैं, गलत काम, नस्ल ही खराब कर दी, नई बस्ती की बच्चियां बहने हमारी खराब करके रख दी, और इस लोग इनके लिए इतना सख्त कानून बनना चाहिए। आपके माध्यम से मैं पुलिस डिपार्टमेंट डीजीपी साहब से अपील करना चाहता हूँ, इस समय राष्ट्रपति शासन है, गवर्नर राज है, तो वो इसमें खुद इनिशिएटिव ले कि ये गंदा काम चिट्टे और खासकर इसका वैश्यवृत्ति का पूरी तरह से सफाया हो सके, जैसे वो कश्मीर में उग्रवाद को खत्म कर रहे हैं। क्या वो लोग आज पकड़े गए? मैंने खुद पुलिस के हवाले किया है, जो यहाँ पे आदमी, बेसिकली ये लोग बड़े चलाक होते हैं, जब लोग सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ का मालिक और मालिकिन थाने चलेगी रिपोर्ट दर्ज कराने कि भाई ये लोग इनको तंग करते हैं, कोई कपड़े फाड़ के या जिस तरह भी ड्रामा जो पहले, ये लोग डर जाते हैं। इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, जब इन्फॉर्म किया तो हमने सारा सिस्टम संभाल लिया, और सारा सिस्टम थाने भी आप चेक कर सकते हो। मैंने खुद पर्सनली पुलिस को बुला के हवाले किया है, पुलिस का एक अपने पुलिस सिपाही आया था, उसके बाद एक एसआई आया था, और मैंने खुद किया, और इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इन्होंने उसको सजा नहीं दी। गंदा काम करने वाले का मुंह कालिक होती है, बाकी काम पुलिस को करना है कानून के दायरे में रह के, लेकिन ऐसे लोग जल्दी बाहर आएंगे, समाज फिर ठीक नहीं। ये हमारे साथ जो कॉर्पोरेटर्स हैं, पवन जी हमारे साथ मौजूद थे, जो उन्होंने बताया कि जो सतवारी में नई बस्ती का जो इलाका है, यहाँ पे पिछले 20-25 साल से जो रैकेट चलता था, लेकिन लोग सामने नहीं आते थे, लोग इसीलिए सामने नहीं आते थे कि लोग जो डरते थे, और उनका भी यही कहना था कि पुलिस जो है हमारी जेब है। लेकिन आज जो यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब जैसे हो कि लोग थे आसपास के, उन्होंने मिलजुल कर वहाँ पे आज एक रैकेट है जो पकड़ा है, जिसमें से कुछ युवतियाँ थी, कुछ लोग थे, और जो घर के मालिक थे उनको भी पकड़ लिया गया है, और उनको पुलिस के हवाले भी कर दिया है। हालांकि जो कॉर्पोरेटर का कहना भी बड़ा ही उनका जो सराहनीय कदम था, जो इस तरह से, हालाँकि कोई बोलिया नहीं।